ये मुख्य रूप से जो मानसून का जो हमारा सीजन होता है, इस सीजन में जो हमारा मानसून ट्रफ होता है बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। बारिश को लेकर के जो मानसून ट्रफ था वो पिछले सप्ताह के इस प्रारंभ के 2 दिनों में अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा दक्षिणी की ओर स्थित था और धीरे धीरे इसने उत्तर की ओर मूव करना शुरू कर दिया। इस पिछले सप्ताह के अंत तक यानी 24-25 तारीख तक ये जो हमारे हिमालय पर्वत है उनके फुटल्स में स्थापित हो गया है। इनके फुटल्स में स्थापित होने की वजह से एक मानसून ब्रेक टाइप की कंडीशन जो स्थापित हो गई है, जिसकी वजह से जो हमारे उत्तर और उत्तर पश्चिम इलाके हैं वहां पर बारिश की जो प्राप्ति होती है वो काफी कम हो जाती है। मानसून ब्रेक कंडीशन में जो हमारे पूर्वोत्तर इलाके हैं और वही उत्तर प्रदेश का जो पहाड़ी इलाका है, जो हिमालय सटे हुए इलाके हैं जो कि उत्तरी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं और जो बिहार के उत्तरी इलाके हैं वहां पर बारिश जो है वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो हमारे दक्षिणी प्रायद्वीप के इलाके, तमिलनाडु के आसपास इलाके, वहां भी हमको बारिश अधिक देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हम अगर देखें तो एक हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जो कि दक्षिणी बिहार के आसपास स्थापित था 19 तारीख को, और ये पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए जो हमारा उत्तर पश्चिम राजस्थान है वहां स्थापित हो गया था। इस बारिश इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के मूवमेंट की वजह से इसके साथ साथ जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है यानी जो पश्चिमी विक्षोभ है उनके इंटरेक्शन की वजह से हमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया में यानी कि जो उत्तर पश्चिम भारत है उसमें और खासकर दिल्ली में भी हमको 21 तारीख को बहुत अच्छी बारिश या अत्यधिक भारी से बहुत भारी बारिश हमको रिकॉर्ड की गई थी। इसके साथ साथ अगर हम देखें अन्य फीचर को देखें तो हम ये पाएंगे कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ है वो ज्यादातर हमें अफगानिस्तान पाकिस्तान इलाकों में पूरे सप्ताह देखने को मिले। इसके साथ साथ एक ट्रफ है जो कि विदर्भ से लेकर के तमिलनाडु तक था जो 20 तारीख को, ये शिफ्ट होकर के 21 तारीख को राजस्थान से तमिलनाडु तक देखा गया, वही 22 तारीख को ये राजस्थान से लेकर के तेलंगाना तक देखा गया। इसके साथ साथ एक ऑफशोर ट्रफ भी हमें देखने को मिलता है हमारे पश्चिमी जो कोस्टल एरिया है हमारे वहां पर, उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा ऑफशोर ट्रफ था वो साउथ महाराष्ट्र से लेकर के केरला तक था 19-20 तारीख को, और कर्नाटका से लेकर के केरला तक था 21 तारीख को। इसके साथ साथ एक ईस्ट वेस्ट शियर जोन भी हमें 10 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड के आसपास दिखाई दिया था पिछले सप्ताह में। ये मेन वेदर फीचर्स थे जिन्होंने पिछले सप्ताह भारतवर्ष को इफेक्ट किया था। वहीं अगर हम इसी सबको जो बादलों का जो चित्र है उनके माध्यम से देखें तो ये जो हमारा बाएं हाथ पर दिखाया गया है ये इनसेट 3D से लिया गया और बादलों का चित्र है, इसमें भी अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि बहुत सारे बादलों का मूवमेंट जो है वो हमारा ये हमारा पूर्वी हिस्से से लेकर के पश्चिमी की ओर जाता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर देखेंगे जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत का हिस्सा है इस पर्टिकुलर हिस्से में बहुत सारा क्लाउड डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है और इसी एरिया में हमको बहुत अच्छी बारिश देखने को मिली थी, और दिल्ली और NCR के इलाकों में कुछ इलाकों में 15 सेंटीमीटर यानी कि भारी तो बहुत भारी वर्षा भी रिकॉर्ड की गई थी। अगर हम इसी को भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जो हम रेनफॉल का डेटा कलेक्ट करते हैं जो हमें ऑर्बिटर पर मिला है उसको देखें तो यहाँ भी सेम स्थिति दर्शाई गई है। इसमें हम देखेंगे कि हमारा 21 तारीख के आसपास जो है बहुत अच्छी बारिश हमको दिल्ली और आसपास इलाकों में रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ साथ जो हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जो कि पूरब से लेकर पश्चिम की मूव किया उसी मूवमेंट के अनुसार हमको बहुत अच्छी बारिश जो है देखने को मिली थी जो हमें इस सेंट्रल इंडिया यानी जो मध्य भारत के हिस्से उसमें और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में जिसके प्रभाव के कारण बारिश देखने को मिली थी। वही जो हमारा दक्षिणी इलाका है वहां भी सप्ताह के अंत में यानी 23-25 के आसपास जब मॉनसून ट्रफ सिचुएशन बनने लगी थी तब बारिश बहुत अच्छी हमको देखने को मिली थी। अगर हम इसी को देखें कहाँ कहाँ पर बारिश रिकॉर्ड हुई है तो हम पाएंगे कि भारी से बहुत भारी वर्षा और कुछ एक इलाकों में अत्यधिक भारी वर्षा जो हमें आसाम मेघालय में सप्ताह के 2 दिनों में और उत्तराखंड में पिछले सप्ताह के 1 दिन में रिकॉर्ड की गई थी। वही भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कुछ एक इलाकों में सवाईमान वेस्ट बंगाल में, सिक्किम में 4 दिनों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, गुजरात में 3 दिनों में, आसाम मेघालय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, दक्षिणी जो हमारा इंटीरियर कर्नाटका का हिस्सा है उसमें 2 दिनों में, वही अंडमान निकोबार द्वीप में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, और हमारा जो पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी मध्य प्रदेश है, सौराष्ट्र और कच्छ का जो इलाका है, कोंकण गोवा के जो इलाके हैं, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल के इलाकों में पिछले सप्ताह में किसी 1 दिन में हमको भारी से बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। अगर हम इसी को दो चित्रों के माध्यम से समझना चाहें कि पिछले सप्ताह की बारिश जो है हमारा जो एक लॉन्ग पीरियड एवरेज है यानी कि सामान्य रूप में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बारिश कैसी होगी उसके माध्यम से देखना चाहें
तो इन दो मैप में जहाँ हम देखेंगे तो ये हमारे सब डिविजन रेनफॉल मैप है, जहाँ बाई तरफ 19 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त के बीच में जो भी बारिश हुई है एक सब डिविजन लेवल पर दर्शाई गई है, वही दाहिनी तरफ जो है पूरे सीजन के यानी कि 1 जून से लेकर के 25 अगस्त के बीच में सब डिविजन लेवल पर बारिश की क्या स्थिति रही उसको दर्शाया गया है। ये जो हमें बारिश दर्शाई गई है ये जो एक लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी कि जो हम सामान्य रूप से अपेक्षा करते हैं कि बारिश होगी उसमें से कितना अंतर रहा है उसको भी दर्शाया गया है। इसमें जो लाल रंग के इलाके हैं वहां वो उन सभी दर्शाता है जहाँ रेनफॉल डेफिशिएंट रही है, हरे इलाके वो है जहाँ करीब करीब नॉर्मल रही है, और नीले इलाके वो है जहाँ पर जो हमारी बारिश है वो नॉर्मल से अधिक रही है। अगर हम पिछले सप्ताह के बारे में बात करें यानी 19 से 25 अगस्त के बारे में बात करें तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे ज्यादातर हिस्से हैं भारतवर्ष के उन सभी में हमें जो बारिश में कमी देखी गई है सामान्य तौर पर जो बारिश होती है उसकी तुलना में। नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी जो उत्तर पश्चिम भारत है उसमें 25% कमी बारिश देखी की कमी देखी गई है, और वही मध्य भारत में 28% की, यानी कि जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत का हिस्सा है मध्य भारत का हिस्सा है यहाँ पर बहुत अधिक कमी ज्यादातर कमी हमको इन्हीं हिस्सों दिखाई दी है बारिश की जो सामान्य तौर पर मिलती है उसके तुलना में। वहीं अगर हम दक्षिण प्रायद्वीप की बात करें तो वहां 16% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, और पूर्वोत्तर इलाकों में और पूर्वी इलाकों में 9% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। पिछले एक सप्ताह हमें अगर पूरे भारतवर्ष के बारे में बात करें तो हम ये पाएंगे कि जो हमारी बारिश है वो करीब करीब 21% कम हुई है जो इस एक सप्ताह में सामान्य तौर पर मिलती है। अगर हम पूरे बारिश के मौसम बारे बात करें अभी तक का यानी कि 1 जून से लेकर के 25 अगस्त तक का तो हम ये पाएंगे कि जो बारिश है वो अगर हम दक्षिणी प्रायद्वीप के इलाके को छोड़ दें जहां पर 3% अधिक बारिश हमको मिली है सामान्य की तुलना में, इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि हमें सभी हिस्सों में सामान्य तुलना में थोड़ी कम बारिश प्राप्त हुई है। जहाँ उत्तर पश्चिम इलाकों में हमें 12% कम बारिश मिली है, मध्य भारत में 13% कम बारिश मिली है, और पूर्वी और पूर्वोत्तर इलाकों में 11% कम बारिश मिली है। अगर पूरे देश को एक साथ लेकर के बात करें तो हम ये देखेंगे कि जो पूरे देश की जो बारिश है हमें वो करीब करीब 10% कम मिली है जो हमें 1 जून से 25 अगस्त के बीच में अमूमन मिलती है या सामान्य तौर पर हम एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हम आज के वेदर सिस्टम के बारे में बात करेंगे आज जो है वो वेदर के क्या सिस्टम थे तो हम देखेंगे कि जैसे हमने पहले भी बताया कि मॉनसून ट्रफ जो है वो इस समय जो हमारे हिमालय के क्षेत्र है उनके फुटहिल से पहुंच गया है। ये फुटहिल से पहुंचने की वजह से ये मॉनसून ब्रेक की कंडीशन बना रहा है जिसकी वजह से बारिश में थोड़ी सी जो हमारे उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के इलाके हैं उसमें बारिश में काफी कमी दिखाई दे रही है। जबकि एक अच्छी खबर यह है कि जो इसका पूर्वी हिस्सा है मॉनसून ट्रफ का वो 26-27 तारीख से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फिर से दक्षिण की ओर मूव करेगा, क्योंकि हमारा अनुमान ये है कि एक सर्कुलेशन जो है वो 27 अगस्त के आसपास जो है वो बेयर बंगाल में फॉर्म होगी जिसके कारण ये मॉनसून ट्रफ का जो पूर्वी हिस्सा है वो 27 से थोड़ा दक्षिण की ओर मूव करना शुरू करेगा। वहीं जो मॉनसून ट्रफ का जो हमारा पश्चिमी हिस्सा है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 28 तारीख से वो भी दक्षिण की ओर मूव करना शुरू करेगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो हमें दिखाई पड़ेगा कि हमारा 62 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में और 28 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के अराउंड दिखाई दे रहा है, यानी कि जो हमारा ये अफगानिस्तान का इलाका है ये उस इलाके में भी स्थित है। इसके साथ साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि हमारा दक्षिण पूर्वी जो हमारा अरेबियन सी है वहां पर हमको दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ एक ऑफशोर ट्रफ भी है जो कि हमारा कर्नाटका से लेकर के केरला तक हमको दिखाई दे रहा है। अगर हम इन्हीं सिनॉप्टिक फीचर्स के बेसिस पर हम देखें कि अगले 5 दिनों में किस तरह की वेदर वार्निंग जो इशू की गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तो हम ये पाएंगे जैसा कि हमने बताया कि जब भी मॉनसून ब्रेक एंड की तरह की सिचुएशन डेवलप होती है तो जो हमारा पूर्वोत्तर इलाका है और जो हिमालय से सटे हुए इलाके हैं वहां पर बारिश थोड़ी ज्यादा हमको प्राप्त होती है। इसलिए जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी पूर्वोत्तर भारत के इलाके हैं और जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी इलाके हैं बिहार के उत्तरी इलाके हैं उत्तराखंड है इन सभी इलाकों में भारी से भारी वर्षा की वार्निंग दी गई है। इसके साथ साथ जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है असम मेघालय सब हिमालय वेस्ट बंगाल सिक्किम में इन इलाकों में कहीं कहीं कुछ एक स्थानों पर एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक अधिक अत्यधिक भारी बारिश की भी संभावना और वार्निंग दी गई है। इसके साथ साथ जैसे हमने बताया कि 27 तारीख से हमारा अनुमान है कि यहाँ पर एक और सर्कुलेशन फॉर्म होगा जिसकी वजह से जो मॉनसून ट्रफ का पूर्वी हिस्सा है वो थोड़ा दक्षिण की तरफ शिफ्ट होगा जिसकी वजह से जो बारिश जो कि मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों में कम मिल रही थी उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ साथ जैसे जैसे ट्रफ की पोजिशन दक्षिण को शिफ्ट होगी हमारा जो बारिश है वो मध्य भारत और की ओर धीमे धीमे जो है वो बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो 29, 28, 29, 30 तारीख को हमारा ये भी वार्निंग इशू की गई है जो हमारा दक्षिण प्रायद्वीप का इलाका है पर्टिकुलरली जो हमारा तमिलनाडु केरला और जो हमारे उसके आसपास का कर्नाटका का इलाका है वहां पर भी
भारी से बहुत भारी वर्षा और कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी वर्षा की भी वार्निंग इशू की गई है। इन सभी इलाकों में हमें बहुत ही जितने भी वहां के लोग हैं उन सबको जितने भी प्रिकॉशंस है जो भी डिजास्टर मैनेजर्स द्वारा दिए गए संदेशों हैं उनका बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए, ये सभी सुरक्षा के लिए है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि जो हमारा नॉर्थ इंडियन ओशन है वहां पर साइक्लोजेनेसिस यानी कि क्या संभावना है, तो हम देखेंगे कि अगले 2 सप्ताह में इस पूरे इलाके में कोई भी साइक्लोजेनेसिस की संभावना अभी तक नहीं बनी हुई है। जबकि इसके अतिरिक्त हम ये देखेंगे कि एक लो प्रेशर यानी एक निम्न दाब का क्षेत्र जो है वो नॉर्थ वेस्ट एरिया में यानी कि जो हमारा दक्षिणी उड़ीसा और नॉर्थ आंध्र प्रदेश यानी जो हमारा आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है इसके आसपास के सटे हुए जो बे बंगाल का इलाका है, बंगाल खाड़ी का इलाका है, यहाँ हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जो पहला सप्ताह है उसके पहले हाफ में जो है एक निम्न दाब का क्षेत्र बन सकता है। इसके साथ साथ जो हमारा दूसरा सप्ताह है उसके अंतिम वाले हाफ में उसके जो वहां पर फिर से हमें एक और निम्न दाब का क्षेत्र बनता हुआ बनने का हमारा अनुमान है। अगर हम रेनफॉल के बारे में बात करें या बारिश के बारे में बात करें तो हम अगर हम इसको देखें कि जो हम सामान्य तौर पर अपेक्षा करते हैं बारिश की उस सप्ताह में और जो हमें फोरकास्ट की गई है बारिश उसमें क्या अंतर रहा, यानी हम विसंगति के माध्यम से समझना चाहें कि बारिश का कैसा अनुमान रहने वाला है अगले 2 सप्ताह में, तो अगर पहले सप्ताह के बारे में बात करें 27 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में, तो जैसे हमने बताया कि मॉनसून ट्रफ अभी जो हिमालय के फुटहिल्स है वहां पर है, इसकी वजह से जो हमारे पूर्वोत्तर इलाके हैं और जो पूर्वी इलाकों का कुछ के हिस्से हैं वहां पर बारिश जो है हमें सामान्य से अधिक मिल सकती है। वही जो हमारे दक्षिणी प्रायद्वीप का इलाका है, जो हमारा तमिलनाडु के आसपास का इलाका है, इन सभी इलाकों में भी बारिश जो है हमें सामान्य से अधिक मिल सकती है। वहीं क्योंकि इसका जो पश्चिमी हिस्सा है जो हमारा मॉनसून ट्रफ का, वो अभी भी जो है वो कुछ एक दो दिन और हमारा फुटहिल्स जो है हिमालय के उसके पास रहने वाला है और वहां से बहुत ही धीमे धीमे वो दक्षिण को मूव करेगा, तो हमारा जो मध्य भारत का हिस्सा है और जो हमारा उत्तर पश्चिम और उत्तरी भारत का हिस्सा है वहां पर सामान्य की अपेक्षा हमें कम बारिश मिलने की संभावना है। वहीं अगर आप दूसरे सप्ताह के बारे में बात करें यानी 3 सितंबर से लेकर 9 सितंबर के बीच में, तो हम ये पाएंगे कि जो मॉनसून ट्रफ सिचुएशन थोड़ा सा ये अपने नॉर्थ पोर्शन के दक्षिण में स्थित होगा, इसकी वजह से जो और एक जो सर्कुलेशन यहाँ बन रहा है जो कि पश्चिम की ओर मूव करेगा, इसकी वजह से जो हमारा मध्य भारत का हिस्सा है और उसके सटे हुए जो हमारे उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत के हिस्से हैं वहां पर बारिश पड़ेगी और कुछ हिस्सों में हमें इसमें सामान्य से अधिक बारिश भी मिलने की संभावना है। वही जो बारिश जो हमें तमिलनाडु में और दक्षिण प्रायद्वीप के इलाकों में सामान्य से अधिक मिली थी पहले सप्ताह में उसमें कुछ कमी आ सकती है, जबकि मध्य भारत के हिस्सों में बारिश में जो सामान्य से अधिक मिलने की संभावना। अगर हम इसी को एरिया वाइज हम बारिश के बारे में समझने की कोशिश करें तो हम ये पाएंगे कि जो बारिश है वो जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, सवाईमान वेस्ट बंगाल सिक्किम है, वहां पर 27 अगस्त तक जो है हमें अच्छी बारिश मिलने की संभावना है और साथ साथ वहां पर भारी से अधिक भारी वर्षा भी हो सकती है। और इसके साथ साथ कुछ एक इलाकों में जैसे अरुणाचल प्रदेश, सवाईमान वेस्ट बंगाल, सिक्किम में 26 अगस्त को, असम मेघालय में 26-27 अगस्त को कुछ एक इलाकों में अत्यधिक भारी वर्षा भी हो सकती है। इसके साथ साथ हमें कई इलाकों में रेनफॉल एक्टिविटी जो है वो मिलेगी, बिहार जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसमें उत्तराखंड में 29 अगस्त तक, इसके साथ साथ भारी से बहुत भारी वर्षा हमको बिहार में 26-27 तारीख को, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 26 तारीख को मिलने की संभावना है। इसके साथ साथ जो इसके आगे की हम अगर बात करें तो जो बारिश की तीव्रता है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी इसके बाद और हमें स्कैटर्ड से लेकर के फेली वाइड रेनफॉल जो है वो मिलेगी बाकी के जो पूर्वी हिस्से हैं वहां पर। इसके साथ अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो जो हमारा गंगेटिक वेस्ट बंगाल का जो क्षेत्र है उसमें 26-27 तारीख को, उड़ीसा में 26 से 29 तारीख तक तथा झारखंड में 28 और 29 अगस्त को हमें भारी बारिश मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया या उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो 28 अगस्त तक हमारा एक्सपेक्टेशन ये है, जो अनुमान है वो ये है कि बारिश जो है थोड़ी सी सबड्यूड रहेगी, कम रहेगी रेनफॉल एक्टिविटी और इसके बाद में धीरे से इस पर बारिश बढ़ेगी और लाइट से मॉडरेट जो बारिश है वो हमें उत्तर पश्चिम के इलाकों में मिल सकती है। अगर हम अपने दक्षिण प्रायद्वीप इलाकों के बारे में बात करें, जैसे हमने बताया कि जो हमारा तमिलनाडु कोस्टल कर्नाटक का जो हिस्सा है हमारा, जो हमारा दक्षिण कर्नाटक के हिस्से हैं वहां पर केरला माहे में अगले 2 दिनों में हमें भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ साथ बारिश जो है इसके बाद और बढ़ जाएगी 28 अगस्त से और भारी से बहुत भारी वर्षा भी हमें इलाकों में यानी कि 28 से 30 तारीख के बीच में मिल सकती है। इसके साथ साथ अत्यधिक भारी वर्षा के भी चांसेस है केरला माहे में और जो घाट के जो इलाके हैं तमिलनाडु के वहां पर 29 और 30 अगस्त को, वही जो हमारा
31 अगस्त 1 सितंबर को इन्हीं इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना है। अगर हम आपकी दक्षिण पर पैदी के इलाकों के बारे में बात करें तो हम देख पाएंगे कि स्कैटर्ड से जो हमारा कुछ इलाकों से में हमारा मॉनसून को देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ कुछ एक इलाकों में भारी बारिश मिल सकती है, आंध्र प्रदेश में, यानी जो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके हैं वहां पर, छत्तीसगढ़ में 28 से 30 अगस्त के बीच में। वहीं मध्य प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ में भी हमें 29 से 30 अगस्त के बीच में कुछ एक इलाकों में भारी वर्षा प्राप्त हो सकती है। वहीं अगर हम पश्चिमी इलाके के बारे में बात करें तो हमें देखेंगे कि जो हमारी वर्षा वर्षा की जो स्थिति है वो महाराष्ट्र और गुजरात रीजन में 30 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर के बीच में विस्तार उसमें भी होगी, और कुछ एक इलाकों में हमको भारी वर्षा भी प्राप्त हो सकती है। अगर हम पूरे भारत की स्थिति को एक बार में समझने की कोशिश करें तो हमारा अनुमान ये है कि अगले 1 सप्ताह में जो बारिश की स्थिति है वो करीब करीब सामान्य के समीप रहने की संभावना है। अगर हम अगले सप्ताह के बारे में बात करें, यानी कि सेकेंड वीक की बारे में बात करें, जो कि 2 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के बारे में, तो हम ये पाएंगे कि जो मॉनसून ट्रफ की सिचुएशन है वो या तो अपने सामान्य स्थिति पे होगा या उसको थोड़े दक्षिण में रहने की संभावना है। इस सिचुएशन में आने की वजह से जो हमारा जो वर्षा की स्थिति है वो उत्तर पश्चिम इलाकों में और मध्य भारत के इलाकों में पहले सप्ताह कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा रहने की संभावना है। वहीं जो हमारा बारिश का है, जो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, जो मध्य भारत में और उत्तर पश्चिम के इलाकों में, और जो हमारा जो प्रायद्वीप का जो उत्तरी भाग है वहां पर ज्यादातर दिनों में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। वहीं जो हमारा बाकी का हिस्सा है भारतवर्ष का, वहां में लाइट से मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिल सकती है, सिर्फ उत्तर पश्चिम इलाकों को छोड़ करके। अगर हम पूरे भारतवर्ष के बारे में बात करें तो हम ये पाएंगे कि जो हमारे एक्सपेक्टेशन है, जो हमारा अनुमान है, वो ये है कि पूरे भारतवर्ष में हमें सामान्य या सामान्य थोड़ी अधिक वर्षा जो मिल सकती है। जो हमारा मध्य भारत है उससे सटा हुआ जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत का हिस्सा है, और जो हमारा प्रायद्वीप दक्षिणी प्रायद्वीप का जो उत्तरी हिस्सा है उन इलाकों, वहीं जो हमारा बाकी का जो हमारा पूर्वी इलाका है, पूर्वोत्तर इलाका है, वहां पर करीब करीब हमको सामान्य बारिश मिलने की संभावना है। और जो हमारा दक्षिण प्रायद्वीप का जो ज्यादातर हिस्सा है, नीचे जो दक्षिणी हिस्सा है, वहां पर हमको सामान्य से थोड़ी कम बारिश मिलने की संभावना है 2 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में। इस सप्ताह में मौसम के लिए, इस सप्ताह पर चर्चा मौसम के लिए इतना ही है। आशा करते हैं आप इनसे लाभान्वित हो रहे होंगे।